Good afternoon, friends. I am Narcissus from basically I'm working right now in INDUSVIVA with my great appliance help, Mr. Jantarji Alak, Gurbaz Diolji from Sirsa, and another Ruby, Surandar Kambhoji, that is also Ruby in our team. So basically, I am a master's in technology, electronics communication, और आई हैव 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. तो इंडसविवा के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा मैं आपसे. जितनी मेरे को नॉलेज है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, पर जितना मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके साथ शेयर करता हूँ. तो कमिंग ऑन द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंडसविवा से स्टार्ट करते हैं जी. जैसा कि फर्म का नाम है जी इंडसविवा, इसके नीचे एक सेलेबल लिखा गया है जी, बियॉन्ड 21st सेंचुरी. मतलब जो चीज़ है वो 21वीं सदी की परे की चीज़ बनाई गई है. ठीक है जी. सबसे पहले थोड़ी सी डिटेल हम कंपनी के लेंगे, फिर प्रोडक्ट्स पर आएंगे जी. जो कंपनी का विजन है वो क्या है जी? विजन है जी अल्टीमेट हेल्थ एंड इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन. ठीक है जी, ये कंपनी का विजन है जी. और सेकेंडली, इन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जिसको हम न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं जी. न्यूट्रिशियस फूड है जो, ठीक है जी. और ये इतना लाजवाब फूड है जिसकी मोनोपोली है, हम कह सकते हैं. मोनोपोली मींस ये जो है अनपैरेलल है, इसके साथ किसी चीज का कोई मैच नहीं है. तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है ये फर्म जिसमें कि ये चीजें बहुत मायने रखी जाती है. ये कंपनी का विजन है जी. सेकेंड बात करते हैं जी मिशन की. मिशन क्या है कंपनी का जी? कंपनीज मिशन इज टू सस्टेन इन फॉर्च्यून 500 ग्लोबली. ठीक है, मतलब कि जो एक फॉर्च्यून 500 ग्रुप है, बेस्ट कंपनीज का ग्रुप है, तो उसमें हमेशा सस्टेन रह जाती है और उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है जी, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. तो इन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन एस्टेब्लिश किया है जी. बेसिकली ये तीन चीजों पर बहुत फोकस किया है उन्होंने. सबसे फर्स्ट है जी आपकी सिम्बायोटिक ग्रोथ, जो कि कंपनी की बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और ये लाइटनिंग स्पीड पर, हम कह सकते हैं लाइटनिंग स्पीड पर ये ग्रो कर रही है जी. और मतलब कि जैसे कि बिजली की तरह बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, जहां पर आजकल कई कंपनियों में डाउनफॉल आ गया लॉकआउट के दौरान, पर ये फिर भी बहुत अच्छी ग्रोथ में जा रही है. और दूसरी है जी एंडलेस सक्सेस. और थर्ड वन है जी अनपैरेलल ब्रांड, मतलब कि जिसका किसी के साथ कोई मैच नहीं होगा. बहुत लोगों से डिफरेंट बनाया गया. जैसे कि हम देखते थे 1980s में जो चीजें निकलती थी वो क्या होती थी, मतलब डाइटरी सप्लीमेंट्स कह लीजिए या पावर के लिए दूध दही अंडे. और 2000 में क्या चीजें आ गई ज्यादातर, जैसे च्यवनप्राश हो गया जी, बॉर्नविटा हो गया जी. और फिर फर्दर 2000 के नियर अबाउट ही आगे जाके क्या चीजें आ गई जी, आपकी पिल्स आ गई, मल्टी विटामिन्स या मतलब टैबलेट्स की फॉर्म में. तो एक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने इजाद की है जिसको हम कहते हैं जी टेस्टी बेवरेजेस, जो इन्होंने इजाद किए हैं जी, जो कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर टेस्ट के अकॉर्डिंग ये इजाद की गई हैं. तो फर्स्टली ये विजन है, मिशन है ये कंपनी का, और ये इसकी मतलब कि हम आगे लेके चल सकते हैं ये चीजें जो उसमें ये इंडल्ज कर रही है जी. और सबसे बड़ी बात जी, जो कि यूएसए नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम का जो गढ़ माना जाता है, तो 31 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कोई फर्म इंडिया से, इंडियन फर्म कोई, ठीक है जी, कोई इंडियन फर्म जो यूएसए गई हो और उसने जो ऑफिस बनाया है जी वो विलियम्स टावर में बनाया है. विलियम्स टावर जो कि हस्टन में है आपका, जो कि हस्टन में है वैन बफेट के अपोजिट. और ये सबसे ज्यादा लग्जरियस रिचेस्ट और ओल्डेस्ट प्लेस है जी. ओल्डेस्ट प्लेस है ये, मतलब कि कहने का मतलब ये जहां से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई, इंडिया से लॉन्च होकर वहां पर गई है. इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा ऑफ रेयर हर्ब्स, वी कैन सी, जो मतलब बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, प्लस जैपनीज टेक्नोलॉजी. ठीक है जी. तो बेसिकली ये है कंपनी के स्टार्टिंग के पॉइंट्स जिसमें हमें कंपनी की डिटेल मिल पाएगी. हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं कि इसके क्या प्लस पॉइंट है, इसमें ऐसा क्या है जो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, और ये बेसिकली किन किन चीजों पर फोकस करती है. तो कुछ हम पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर, उनको एलैबोरेट करूंगा जी. इनकी खुद की जी 22,000 एकड़ जमीन है जी,
जो कि है केरला एंड कर्नाटका में। फर्स्ट गवर्नमेंट एमएलएम लाइसेंस 2017 में इन्होंने लिया था। लाइसेंस पहला लेने का मतलब ये नहीं थे लाइन में सबसे आगे खड़े हुए थे, इन्होंने 32 गाइडलाइंस पूरी की थी, 32 गाइडलाइंस इन्होंने पूरी की थी जो कि केरला गवर्नमेंट की तरफ से मार्क की गई है। और वो 32 गाइडलाइन को हम कह देते हैं जैसे वैट लगता था तो के वैट होता है हमारा, और जो कि ये वैट है बाद में 2018 में ये जीएसटी में कन्वर्ट हो गया जी, ठीक है जी। तो केरला स्टेट एक ऐसी जिसकी 32 गाइडलाइन है, अगर आपको एज एन एमएलएम वहां पर काम करना है तो वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। और सबसे पहली गाइडलाइन थी इस पे जी, फर्स्ट कह सकते हैं हम एमआरपी पर काम करेंगे। सपोज जैसे कई फर्म्स में होता है जो एमआरपी है वो है 200 का और जो डीएपी है जी वो हो गया जी 130 का। तो डिस्ट्रीब्यूटर को किस पर मिलेगा जी 130 पर, और वो बेचेगा किस पे, मिनिमम है जी ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम 130 मिल रहा है तो मैक्सिमम 190 कह लीजिए। अगर एक 190 पर भी सेल कर रहा है तो कितने पैसे कमा गया इसमें 60 रुपीज, और अगर वो 10 प्रोडक्ट सेल कर रहा है जी तो वो कितने कमा गया जी लगभग 600 रुपीज। और अगर 100 करोड़ लोग या 1 करोड़ लोग इसको कमा रहे हैं तो कितना, पर इस पैसे पर किसने जीएसटी पे नहीं किया। तो इस जीएसटी, ये जीएसटी जो पे नहीं हुआ वो कहां गया, वो ऐसे ब्लैक मनी हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था इंडस्विवा ने कि नेशन इज फर्स्ट, जो हमारा मुल्क है वो सबसे पहले है हमारे लिए, इसलिए 20% बर्डन के ऊपर जीएसटी का बढ़ भी गया और फिर भी इन्होंने एमआरपी पर ही काम किया। तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ऐसी चीजों को, इनिशिएटिव को आगे लाने के लिए, ठीक है जी। इसका जो पेरेंट कंपनी बायकैंड, हम जो कह सकते हैं जो बैकएंड है वो बायोएक्टिव के साथ कोलैबोरेशन है जिसका, जो फॉर्मुलेशन जो है बायोएक्टिव के थ्रू होता है, जो कि है जापान से, टोक्यो से, ठीक है जी, जिसका 25 इयर्स का हर्ब्स का एक्सपीरियंस है, 25 इयर्स का जड़ी बूटी का एक्सपीरियंस है, उसको एग्रीकल्चर करते हैं वो साथ में। अगर हम जैसे देख लें कोरोना वायरस में है तो जब स्टार्टिंग हुआ तो सेकेंड नंबर पर था जापान 20 पेशेंट्स के साथ, और अब पहले 10 जो कंट्रीज की लिस्ट है उससे भी बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि वो जमीन से बहुत, मतलब हर्ब्स में आयुर्वेदा में बहुत बिलीव करते हैं, उस चीज को बहुत मानते हैं, तो आयुर्वेदा पर बहुत केयर की है जिन्होंने। और बायोएक्टिव नंबर वन न्यूट्रास्यूटिकल्स है जी, नंबर वन न्यूट्रास्यूटिकल्स है, जो कि मॉलिक्यूल्स भी पेटेंट कह सकते हैं हम इसके जी, ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट है जी केपीएमजी, इसका ऑडिटर है जी, एक स्टैट्यूटरी है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड्स में आती है, पहले 5 ब्रांड्स में जो कि ऑडिटिंग का काम करती है। तो केपीएमजी क्या है, इसका ऑडिटर है जी। और सैप क्या है, जिसका सॉफ्टवेयर रनर है जी। और आपको ये जानकर खुशी होगी ये प्रोडक्ट अमेरिका में लॉन्च हुआ है इंडिया शिफ्ट के, और ये इंडस्विवा 17 कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी है जी, 17 कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी है विद इन 6 इयर्स, 6 सालों में 17 मुल्कों में जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिसके लिए आपको डेफिनेट सी बात है सबसे बढ़िया चीज क्या चाहिए होगी आपके अंदर, क्वालिटी, जो कि प्रोडक्ट की बेस्ट है। ये क्वालिटी बेस्ट क्यों है जी, क्योंकि ये WHO से भी प्रूव्ड है जी। सेकेंडली ये हलाल से भी सर्टिफाइड है। हलाल का मतलब ये नहीं है सिर्फ बीफ और वीट में डील करता है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स और बाकी अरेबिक रीजन के लिए बहुत एक मतलब माना गया है, सर्टिफिकेशन माना गया है। प्लस ये आयुष मंत्रालय से भी प्रमाणित है, जिसमें क्या है आपका आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आयुष मंत्रालय की 2 कैटेगरीज है, एक तो है जी प्रीमियम और दूसरी है जी स्टैंडर्ड। प्रीमियम में 146 प्रोडक्ट है जी और स्टैंडर्ड में 97, तो ये आपकी प्रीमियम कैटेगरी में इसके सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इंडस्विवा के। और फोर्थ है जी ये HACCP से भी सर्टिफाइड है। HACCP भी क्या है जी, हजार एनालिसिस कंट्रोल, ठीक है जी, पॉइंट बनाया गया है जिसमें क्या है, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कि कंटामिनेशन या खराब हो, जो आगे जाके लोगों के लिए अच्छी साबित ना हो। और प्लस ये क्या है जी, स्टार के, इसको हम कह देते हैं जी स्टार के से भी सर्टिफाइड है, जिसको कोशर कह देते हैं जी, और ये भी एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन का ब्रांड है। और प्लस ये 6 लास्ट बट नॉट दी लिस्ट WAK से भी सर्टिफाइड है,
जो वर्ल्ड एसोसिएशन है क्वालिटी ऑफ वाटर के लिए, उससे भी ये सर्टिफाइड है, ताकि इसमें कोई भी ऐसी चीज ना इस्तेमाल की जाए। देखिए आपने बेसिक चीजों पर कितना ध्यान दिया गया, मतलब पानी तक भी उसमें अच्छा यूज किया गया, जो अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका का सबसे बढ़िया ब्रांड माना जाता है। तो WHO हलाल, आयुष, HACCP, स्टार के और WAK से भी ये सर्टिफाइड है। तो ये इसकी सर्टिफिकेशन है जी। आगे चलते हैं जी, कंपनी ने मतलब कहां कहां पर क्या क्या चीजें एस्टेब्लिश की हैं और इसको कितना टाइम लगा है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन करेंगे जी प्रोडक्ट्स का, ठीक है जी। तो 2013 में दिसंबर 19 को जो होटल है, होटल शेरटन ग्रैंड है जो बेंगलोर में है जी, और जिसको हम कह देते हैं अपना बेसिकली ब्रिगेड गेटवे, ठीक है जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वहां पर मतलब वहां पर इसकी प्लानिंग हुई। ये मतलब एक प्रस्ताव रखा गया इंडसविवा की तरफ से, और 17th of January 2014 में इंडसविवा लॉन्चिंग में हो गई जी, या फिर हम कह सकते हैं 17 to 18 January में इसका एनोग्रेशन हो गया जी, जिसका एनोग्रेशन अनिल कुंबले जी ने किया जी, फॉर्मर क्रिकेटर और कोच हैं जी हमारे, ठीक है जी, इंडियन टीम के, तो उनसे इनका एनोग्रेशन करवाया गया जी, ठीक है जी। और फर्स्ट जो एडवाइजरी काउंसिल है आपका काउंसिल है, ठीक है जी, मतलब जो काउंसिल बनाएगा, जो एडवाइजर्स के लिए सभी कुछ फॉर्मेशन किया गया, वो बना जी हमारा January 17, 2015 में। और जो फर्स्ट बिलिंग की बात करें हम, तो फर्स्ट बिलिंग हुई थी जी हमारी 7th of February को फर्स्ट बिलिंग हो गई जी 2014, ठीक है जी। और बेसिकली इन्होंने कहा था कि हम जो भी प्रोडक्ट देंगे वो MRP पर देंगे, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, और प्लस ये डोर स्टेप पर आपकी डिलीवरी होगी। तो बहुत बड़ी बात है जी MLM के लिए, डोर स्टेप मतलब कि आपके घर के दरवाजे तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, ठीक है जी। और ये आपका ग्लोबली सिंगल जेनरोलॉजी पर काम करेंगे, ग्लोबली सिंगल जेनरोलॉजी पर काम करेंगे कि मतलब कि सबके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड सिंगल जेनरी और गेटवे होगा जी, जैसे कि अमेरिका में भी लॉन्च हुआ है। तो उसके लिए आपको कोई टारगेट या फिर किसी रैंक लेने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से भी मतलब अमेरिका के किसी पर्सन को ज्वाइन करवा के प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हो जी, ठीक है जी। और ये साथ में प्लस क्या है, सैंडल गुड्स या फिर दूसरे जो प्लांटेशन के लिए सीड्स देते हैं पैकिंग में, अगर वो 4 to 6 lakh प्रोडक्ट वीकली सिंगल भी निकालते हैं, ठीक है जी, सिंगल वीकली 4 to 6 प्रोडक्ट्स निकालते हैं, तो उसमें हर पैकिंग में अगर सीड्स जा रहे हैं, तो सोचो कितने प्लांट्स हम मतलब प्लांटेशन के लिए कर सकते हैं जी। और अप टू 2018 इसकी 2018 तक इसकी जो वर्थ थी, जो मतलब आउटपुट कह सकते हैं हम, वो 300 crore हो चुकी थी। तो ये इसकी स्पीड है, लाइटनिंग स्पीड से जैसे ये ग्रो कर रही है जी, ठीक है जी। और DAC डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया, ताकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको ग्लोबल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और जो IT है वो 1001 से स्टार्ट कर देगी, ताकि अपर लोअर मैनेजमेंट का किसी की भी कोई आईडी का, जैसे फर्म्स में बाकी में होता है जी, पहले इनकी आईडी लगी ऐसे लगी, तो ग्लोबल इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए स्टार्ट हो गई। और इसका एक ऐसा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेंट वीवा, जहां से हमने ये इंडस्ट्रीवा के बारे में सारी नॉलेज ली है जी। तो वाइब्रेंट वीवा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि गारंटी करती है कि आपका कोई भी फेलियर नहीं होगा, नो फेलियर हम कह सकते हैं जिसके लिए, क्योंकि ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसका खुद का है, एक ऐसी फर्म जिसका खुद के प्रोडक्ट्स हैं, सीड टू लेके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फिशिंग सब कुछ इनकी खुद की है जी, और जिसमें आपका जो एजुकेशन सिस्टम इतना हेल्पफुल है जी, अपलाइन के साथ आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपकी फेलियर की बिल्कुल 0.0% भी चांस है ही नहीं जी, ठीक है जी। और 25th June 2016 को IAC इंटरनेशनल अचीवर कॉन्फ्रेंस में इनको फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्म का अवार्ड मिला, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो किया, जैसे पहले ही मैं बता चुका हूं 32 के 32 गाइडलाइंस को इन्होंने फॉलो किया, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए इनको अवार्ड किया गया थी, ठीक है जी। और February 2017 में USA में कॉन्फ्रेंस हुई थी जी इंटरनेशनल बोर्ड की, जिसको हम कहते हैं अवार्ड सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल बोर्ड कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन में, उसको उसमें
इंडसविवा को बेस्ट फर्म का अवार्ड मिला जी। तो जनवरी में जून में क्या हुआ जी, इनको मतलब एक फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्म का अवार्ड मिला स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइंस, जबकि 2017 में इनको बेस्ट कंपनी का इंडिया का अवार्ड मिला जी। और ये किसके बेसिस पर है जी, ये कहते हैं कि हम जितने भी मतलब ये वाइब्रेंट विवा की हम तारीफ की बात करें थोड़ी सी, तो ये जैसे रिलेट करते हैं जी आपका गिफ्ट से रिलेट करते हैं GIFT, ठीक है जी। GIFT क्या है जी, गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्साइजेशन GIFT। तो बेसिकली ये इससे प्रपोज है जी, जिसमें क्या है आपका केरला के जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर इसाक थॉमस जी हैं, जो थॉमस इसाक जी हैं जी, तो वहां पर वो लोगों को सम्मानित करते हैं जो भी इसको क्लियर करते हैं, वो जो सेमिनार या फॉर्मेलिटीज हैं आपको बींग ए नेटवर्कर बनाने की, ठीक है जी। जिसमें पहले 366 डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूड हुए थे और 50 जिसमें से अकेले इंडस्विवा के थे, और सबने इस मतलब को सेमिनार को अटेंड किया और अपना अपना सर्टिफिकेशन लिया वहां से जी, ठीक है जी। और यहाँ पर यह भी सिखाया जाता है हाउ टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन मनी चेन, जो मनी चेन कंपनीज हैं जी, क्योंकि इंडिया में लगभग 31,000 फर्म्स हैं जी, जिसमें से 388 के पास लीगल लाइसेंस है जी। मनी चेन और किसके बीच में, जो रियल कंपनीज हैं उनके बीच में लाइन कैसे ड्रा की जाए, ठीक है जी। और ये ISO भी सर्टिफाइड है, ISO 9001:2008 और 9001:2015, तो ये यहां से भी सर्टिफाइड है जी, सैप से सर्टिफाइड है, फिक्की से सर्टिफाइड है जी, ठीक है जी। तो मतलब ये लगभग काफी डिटेल है कंपनी की, ठीक है जी। और ये एवरी मंथ 500 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल्स एज एन हर्ब्स, जड़ी बूटियों का खनिज जो हमारे मतलब कच्ची जड़ी बूटियां हैं, वो 500 फॉर्च्यून कंपनीज को देती है जी। 500 फॉर्च्यून एक कंपनीज का ग्रुप है जिसमें बहुत रेप्यूटेड कंपनीज हैं, जैसे एमवे है जी, ITC है जी, लॉरियल है, ठीक है जी, मैक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है जी, NSF है जी, क्रोमाटेक्स है, नोवलाटेक्स है, तो ऐसी फर्म्स को ये रॉ मटेरियल देते हैं, हर महीने 500 मेट्रिक टन रॉ हर्ब्स ये प्रोवाइड करते हैं जी, ठीक है जी। तो ये लगभग काफी डिटेल्स आई थिंक है जो कंपनी के रिगार्डिंग है, ठीक है जी, एडवाइजरी काउंसिल में। और हमारे जो CEO हैं जी अभिलाष थॉमस जी हैं, ठीक है जी, और CN अंजार जो हमारे कंपनी के ऑनर हम कह सकते हैं जी, वो है जी। और ये डिटेल्स है कंपनी के बारे में, जिसमें हमारे पास मतलब खुद की 22,000 एकड़ जमीन है, KPMG ऑडिटर है, SAP से भी सर्टिफाइड है, HACCP भी सर्टिफाइड है, तो मतलब ये नक्शा है सारा कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं जी कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसा क्या है इनमें जो मतलब रिजल्ट भी अगर हम देखेंगे तो जतिन चौधरी जी हैं जी इंडियन क्रिकेट टीम के, ठीक है जी, जो डॉक्टर या सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट कह सकते हैं, तो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मतलब इतने अच्छे टेस्टिमोनियल मिले हैं, 4-stage कैंसर तक में भी इसके टेस्टिमोनियल हमें मिले हैं। तो हम बात करते हैं जी आपके प्रोडक्ट में क्या दम है या प्रोडक्ट्स कैसे हैं जी इसके, ठीक है जी। तो फर्स्टली 26 जनवरी 2014 में जी हमारा जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम है जी iPulse, कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड जापानीज टेक्नोलॉजी, फॉर्मुलेशन जो बायोएक्टिव का है जी। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जी iPulse, ठीक है जी। तो ये iPulse प्रोडक्ट है जी, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले जान लें कि शुरुआत कहाँ से हुई, असल में ये नासा से इंस्पायर्ड प्रोडक्ट है जी, नासा इंस्पायर्ड प्रोडक्ट है जी। मतलब नासा से क्यों इंस्पायर्ड है, क्योंकि नासा में जो साइंटिस्ट हैं जी, साइंटिस्ट हैं वो मिलीसेवर्ट्स में काम करते हैं। मिलीसेवर्ट्स मींस ये किरणों को मापने का एक जरिया है जी, वो 50 से लेके 2000 मिलीसेवर्ट्स में काम करते हैं जी। अगर वो लैंड में या चैम्बर में काम करते हैं तो 50 में करते हैं, और स्पेस में 2000 तक काम करते हैं जी। और एक मिलीसेवर्ट का मतलब है जी 3 times चेस्ट का एक्सरे हो जाना, 3 times चेस्ट के एक्सरे में जितनी रेडिएशंस यूज होती हैं वो एक मिलीसेवर्ट होता है। जैसे चेस्ट एक्सरे रेडिएशंस करते हैं तो बाकी पर्सन बाहर आ जाते हैं जी, इसका एक्सरे होता है सिर्फ वही रह जाता है। तो अगर वो 50 में काम करते हैं, एक मिलीसेवर्ट का मतलब है 3 बार छाती का एक्सरे हो जाते हैं रेडिएशंस, अगर वो 50 में काम करते हैं तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 चेस्ट एक्सरे रेडिएशंस प्रति मिनट उनके अंदर जाती है। और अगर वो स्पेस में चले जाते हैं तो 2000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 6000 चेस्ट एक्सरे रेडिएशंस प्रति मिनट उनके अंदर जाती हैं। तो इसके कारण क्या है जी, सेल्स में प्रॉब्लम आ जाना, ऑर्गन्स डैमेज हो जाना और कैंसर हो जाना। जैसे स्किन कैंसर बहुत जल्दी हो जाता है रेडिएशंस में अगर वो काम करते हैं, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। तो इसको क्योर करने के लिए उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए ड्रिंक बनाया जिसका नाम था जी ASDA, और इंडस्विवा ने इसी के बेस पर एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है जी iPulse, एक ऐसी चीज, ठीक है जी, जो कि आयुर्वेदा का बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जा रहा है इस टाइम में, और एक ऐसी चीज, एक ऐसी मेडिसिन कह सकते हैं जो कि हम कहते हैं जी एक प्रिंसिपल है जी, हिपो
क्रिएशन, जिसको कि भुजालोका जी ने लॉन्च किया था, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। उन्होंने कहा था कि आपका खाना ऐसा होना चाहिए जैसे मेडिसिन है, टेक अ फूड एज अ मेडिसिन और मेडिसिन एज अ फूड। ठीक है जी, तो इस प्रिंसिपल पर जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कह देते हैं हम, ठीक है जी, तो उनसे ये मतलब हुआ है, मतलब ये चीज निकल के आई है। तो AS10 एक ऐसा ड्रिंक है जी, ठीक है, जिसको स्टडी किया तो पाया कि वो फ्रूट की डाइट है, फ्रूट डाइट है, और जिसमें सबसे मेन है जी असाई बेर, असाई बेर। तो इंडसविवा ने सभी बर्ड्स को फ्रूट को स्टडीज किया, उसमें से 15 फ्रूट्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, 15 फ्रूट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दिया जी, जिसको कि 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 5 तो उसमें बेरीज निकल के आई जी, ठीक है जी, और 10 अदर फ्रूट्स निकल के आए, 10 अदर फ्रूट्स निकल के आए जी, और 5 बेरीज में से एक सुपर फ्रूट निकल के आया, कुदरत की इसको सबसे बड़ी देन कह रहे हैं जी इस टाइम की, वो है जी असाई बेर, असाई बेर, ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है, जिसको हम धरती के फेफड़े कहते हैं जी, और सबसे मीठे पानी में अमेज़न रिवर का नाम आता है जी, तो वहां पर ये पाया जाता है जो ब्राजील के साथ हिस्सा लगता है जी। तो ये सुपर फ्रूट है, इसकी हम अगर पावर की बात करें तो 1 kg ऑफ असाई बेरी का मुकाबला 1027 kg वाटरमेलन भी नहीं कर सकते, ये इतना पावरफुल फ्रूट है जी। इसकी एक दिन की डोज लगभग 100 कप ग्रीन टी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट देती है जी, 100 कप ऑफ ग्रीन टी, ग्रीन टी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट देती है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 70 ग्लास ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस के बराबर विटामिन सी, 70 ग्लास ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस के बराबर विटामिन सी। तो सर ये इसकी लेटेस्ट डिटेल्स हैं जी, और ये है वो आईपल्स प्रोडक्ट है जी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जैसे इसके ऊपर रिटर्न है जी, और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, हाईएस्ट और रॉक वैल्यू है जी इसकी, ठीक है जी। और प्लस इसके जो बेनिफिट स्टडीज हैं वो भी इस पर मेंशन है जी, नासा से इंस्पायर्ड है सर ये प्रोडक्ट, और आईपल्स जो है नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है जी, एंटी कैंसर है, और बेस्ट इम्यून हेल्थ देता है जी। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वो 15 फ्रूट्स कौन कौन से हैं जी, ये वो 15 फ्रूट्स हैं जी, जिसमें सबसे मेन असाई बेरी है जी, ठीक है जी, फिर अपना है मुलबेरी, लेडीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है जी, पाइनएप्पल है जिसमें विटामिन B1 B2 B3 है, और विटामिन सी है जो एंटी इंफ्लामेटरी है जी, कॉनकॉर्ड ग्रेप्स है, रिजर्वाट्रॉल पदार्थ है इसमें, ठीक है जी, और ऐसी ऐसी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालती है शरीर से, और ये हेड टू टो काम करता है, ब्रेन के ऊपर साइबरल वेलनेस के ऊपर काम करता है जी, इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी, एलर्जिक है, अस्थमेटिक पंप यूज कर रहा है जी, हमारे पास ऐसे ऐसी टेस्टिमोनियल कि विंड पाइप्स में से अगर 3 पाइप्स ब्लॉकेज भी हैं तो उसमें भी काम कर जाता है जी, स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो, अल्सर हो जी, पाइल्स हेमरॉइड्स में भी काम करता है जी, ठीक है जी। प्लस ये शुगर में बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इसमें जो शुगर है वो फ्रक्टोज है, लैक्टोज शुगर नहीं है जी इसमें, और ये वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा रिजल्ट है जिसका, आइज की सेंसेशन में, ठीक है जी, विजुअल जो हमारा फैक्ट कई बार, या फिर मतलब कई बार जो रेटना है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, थायराइड में बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, TSH हार्मोन को बैलेंस कर देता है ये, ठीक है जी, कार्डिक वेलनेस बहुत अच्छा है इसके लिए, हार्ट के लिए, जैसे होता क्या जी आजकल मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण ब्लॉकेज में, वेन्स में ब्लॉकेज आ जाती है जी, इसके कारण क्या है कि हमारा हार्ट पर बहुत लोड पड़ता है जी, ठीक है जी। और ये एंटी कैंसर है, मैं खुद नहीं कह रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने इसको ऊपर मान्यता दी है जी, और इट इज़ यूज एज एन बेस्ट प्रोडक्ट, और हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो कि नासा यूज करता है जी, और सारी सेलुलर वैलिनेशन के ऊपर ये काम करता है जी, हेड टू टो काम करता है जी, जिसको हम कह सकते हैं जी सेलुलर वेलनेस के ऊपर काम करता है जी, ठीक है जी, और हमारी इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, हार्ट के ऊपर काम करता है, स्किन के ऊपर, मतलब कि ये सभी पिलर्स पर काम करता है, सोशल इकोनॉमिक आपके जो सेलुलर है, ठीक है जी, फिजिकल हर चीज़ पर ये काम करता है। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जी आईपल्स, ठीक है जी, 3150 रुपये इसकी कीमत है जी, और ये सेफ है, आप मतलब 4 मंथ्स के किट से भी शुरू कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, और ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है जिसके अनलिमिटेड हम बेनिफिट्स कह सकते हैं, 26 मेजर डिजीज में अकेला काम कर जाता है, ये इतना बेनिफिशियल है, हाईएस्ट और रॉक वैल्यू देता है जी। और सिर्फ इसमें ये नहीं है जी, मतलब ये प्रोडक्ट है तो आईपल्स में बेसिकली आईपल्स हमें दे क्या सकता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जरूर मैं मेंशन करूंगा जी, क्योंकि आजकल होता है जैसे लोग ओमेगा 3 बहुत खा रहे हैं, तो गूगल पे आया था जी, अगर कोई पर्सन ओमेगा 3 को रेगुलर यूज कर रहा है तो वो जेंट्स के प्रोस्टेट ग्लैंड को बहुत अफेक्ट कर सकती है, और रेगुलर यूसेज में वो आपको प्रोस्टेट कैंसर भी दे सकती है। तो आईपल्स में बेसिकली है क्या क्या जी, इसमें मल्टी विटामिंस हैं जी, मिनरल्स हैं इसमें जी, ट्रेस मिनरल्स कह सकते हैं इसको, ठीक है जी, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जी,
अमीनो एसिड्स हैं जी इसमें, जिससे हमारे प्रोटीन, ठीक है जी, प्लस एंजाइम्स है जी, ठीक है जी। तो मतलब ये मिनिमम 5 to 6 थिंग्स हैं जी इसमें जो हम बेसिकली यूज करते हैं। और सबसे अच्छी चीज इसमें, सबसे पावरफुल चीज वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है जी, बहुत तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है जी, ठीक है जी। और ये टेस्टी ब्रिवरेजेस की फॉर्म में बनाया गया है ताकि लोग खा पी के एंजॉय करके इसको बंदिश के तौर पर ना लें। अगर हम बात करें, ये साइंटिफिकली वैलिड भी है जी और सर्च ट्रायल भी बकायदा बॉक्स के ऊपर मेंशन है जी, सर्च ट्रायल सभी क्लियर किए हैं इसने जी, ठीक है जी। और ये फ्री रेडिकल्स और आप वैल्यू जो है इसकी बहुत बेस्ट है जी। कहते हैं जो पर्सन 3 से 4 केजी फ्रूट रोज का खा रहा है उसको नियर अबाउट 5000 और आर्क वैल्यू मिल सकती है जी, अगर वो ऑर्गेनिक फ्रेश फूड खा रहा है जी। और आर्क वैल्यू होती है जी हमारी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। हमारी बॉडी में जो रेडिकल्स बनते हैं इसको हम फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं जी, मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया जी जैसे, ठीक है जी। तो ये जो चीजें बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करती हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हमें इतनी बहुत चाहिए होती है। और आपको पर अगर कोई पर्सन आई पल्स को सुबह शाम एम्प्टी स्टमक विद स्लाइवा ले रहा है जी, आई पल्स को सुबह शाम एम्प्टी स्टमक विद स्लाइवा ले रहा है, तो ये उसको नियर अबाउट 30 ml सुबह लेना है जी और 30 ml शाम को लेना है एम्प्टी स्टमक, तो ये उस पर्सन को 7000 और आप वैल्यू देगा जी, और जो कि सुफिशिएंट है एक ह्यूमन के लिए जिसमें सब कुछ ही आ जाएगा, मल्टीविटामिन्स मिनरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स अमीनो एसिड्स एंजाइम्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। और ये आपके 3.5 केजी फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट के बराबर है जो कि आपके 200 टाइप्स के सेल्स पर काम करेगी जी, ठीक है जी। और वैसे तो प्रीलेंस ऑफ सेल्स होते हैं, टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं, और आपके 78 टोटल ऑर्गन्स होते हैं जिसमें से 32 ऑर्गन्स जो है मेन, जो वाइटल ऑर्गन कह सकते हैं, उन पे ये काम करेगी। तो क्योंकि होता है जैसे हम घर बनाते हैं तो ब्रिक्स लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, तो ईंटों से क्या बनती है हमारी दीवारें, दीवारों से क्या बनते हैं जी हमारे कमरे, और कमरों से मिलकर बनते हैं जी हमारे घर। ऐसे ही हमारी बॉडी है जी, सबसे बेसिक एलिमेंट है सेल्स, सेल्स मिलकर बनाते हैं जी टिश्यू, टिश्यूज मिलकर बनाते हैं जी ऑर्गन्स, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं जी हमारी बॉडी। अगर किसी पर्सन का कोई ऑर्गन, हार्ट, लिवर, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, तो क्यों प्रॉब्लम आ गई, रिपोर्ट्स में आता है सेवरल सेगमेंटेशन ऑफ टिश्यूज आर डैमेज, एक पूरी की पूरी परत जो है टिश्यूज की वो खराब हो गई है। क्यों खराब हो गई, क्योंकि उसके सेल्स खराब हो गए हैं। तो बेसिकली हमारा सेल्स पर ही काम करता है, तो एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी इन्वेंशन है जी, और इन्वेंशन है, क्वालिटी है, तभी तो फॉरेन कंट्रीज में भी मतलब ये यूज हो रहा है। आयुर्वेदा के नाम से ये अमेरिका में लॉन्च हुआ है जी, आयुर्वेदा के नाम से जी, ठीक है जी। तो ये इसकी क्वालिटी है, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको हम आईपल्स कहते हैं जी, ठीक है जी। सेकंड प्रोडक्ट की बात करते हैं जी, आई कॉफी। सेकंड प्रोडक्ट है जी आई कॉफी, एक एवरी ईयर सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च होता है जी, सेकंड प्रोडक्ट है हमारा जी आई कॉफी। आई कॉफी जो आई पल्स है जी, इसकी जो बोतल है नियर अबाउट 1 लीटर की होती है जी, और इसकी पैकिंग के लिए जो स्टरलाइज ग्लास यूज किया जाता है, स्टरलाइज ग्लास यूज किया जाता है जी, और ये स्टरलाइज ग्लास जर्मनी मेड है जी। जैसे कि आपने देखा होगा 2019 के एंड में केस हुए, जैसे कई फर्म जो प्लास्टिक में लिक्विड दे रही थी, और अगर वो लिक्विड अगर धूप में पड़ा रह गया है विद इन अ मिनट तो आपको केमिकल रिएक्शन देकर नुकसान भी कर सकता है, पर ये स्टरलाइज ग्लास पैकिंग की बोतल है जो आईपल्स के लिए यूज की गई है, जर्मनी से बनाई गई है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन मतलब 2014 से स्टरलाइज ग्लास में दे रहे हैं, कोई चेंज नहीं किया ग्लास में या किसी चीज में उन्होंने, तो ये होती है जी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं, ठीक है जी। तो सेकंड प्रोडक्ट पर आते हैं जी आई कॉफी, ठीक है जी। सपोर्ट्स ब्लड शुगर, ब्लड शुगर मैनेजमेंट हम कह सकते हैं जी, ये आई कॉफी है, इसमें 50 पाउच होते हैं जी, ठीक है जी। तो उसकी डिटेल्स हम कुछ शेयर करेंगे विद क्लिनिकल ट्रायल्स भी दिया हुआ है इसमें जी। तो ये आई कॉफी है क्या, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं जी थोड़ा सा, ठीक है जी, साइड में रख रहा हूँ मैं इस चीज को। तो सेकेंड प्रोडक्ट की बात करते हैं जी हम आपकी आई कॉफी, ठीक है जी। तो आई कॉफी एक ऐसा प्रोडक्ट है, कहते हैं भी इंडिया में हर साल 6.2 करोड़ पर्सन को डायबिटिक होती है जी, जिसमें से 15 लाख की डेथ हो जाती है, ठीक है जी। 120% जो है डायबिटिक की ग्रोथ आई है जी, 120% डायबिटिक की ग्रोथ आई है जी, ठीक है जी। जिसमें से 109% जो है वुमेन्स में है जी, और जिसमें से 126% जो है मेंस में पाई गई है। और ये सबसे ज्यादा एक 1990 से लेके 2013 तक का जो डाटा है उसमें इतनी ग्रोथ पाई गई है, ठीक है जी। और ये जो मतलब
हाइपोफीज का बेसिक है क्या जी? एक आयुर्वेदा के पिता हुआ है जी, फादर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा फादर हम कह सकते हैं, आयुर्वेदा फादर, फादर ऑफ आयुर्वेदा आचार्य चक्र जी महर्षि हुई है जी। उन्हें ग्रंथ लिखना चक्र में थे, इसमें उन्होंने जिक्र किया था एक सालसिया, सालसिया रेटिकुलेटा नाम की, कुलेटा नाम की खर है जिसकी रूट्स हम या जिसको जिसके मतलब ड्रेड को हम क्या कह देते हैं, सेल्सिटाल, सेल्सिटाल कह देते हैं जी। कहते हैं अगर कोई पर्सन इस हर्ब को यूज करता है, सेल्सिटाल को यूज करता है, तो वो अपनी ब्लड शुगर मैनेजमेंट, रक्तचाप और यूरिन की प्रॉब्लम से काफी बेनिफिट पा सकता है, मतलब उसको उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पर ये जो हर्ब है थोड़ी लेने में थोड़ी टेस्टलेस है जी। इसके टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें कॉर्क रीजन ऑफ कर्नाटका है जी, कॉर्क रीजन ऑफ कर्नाटका, उसकी कॉफी के बीन्स मिलाए गए, रोस्टेड बीन्स मिलाए गए ताकि उसका टेस्ट बन सके। जैसे आईपल्स है फर्स्टली जो कि जूस फॉर्म में है जी, हमारा पहला जूस फॉर्म में है और दूसरा हमारा आई कॉफी है जो कि कॉफी फॉर्म में है जी, विद क्लिनिकल ट्रायल्स है जी, ठीक है जी। अब कई लोग कहते हैं कि कॉफी है जी, कॉफी नहीं है जी, ये सिर्फ उसमें कुछ बीन्स ऐड किए गए ताकि टेस्ट बन सके। अगर हम नॉर्मल कॉफी की बात करें 135 ग्राम उसमें कैफीन होती है जी और वो एसिडिक फॉर्म में होती है, अबव 5.5 होती है, वो एसिड बनाती है जी और प्लस बीपी को भी वो फ्लक्चुएट करती है। पर ये कॉफी का बेनिफिट हमें क्या है जी, ये बैलेंस पीएच है इसमें, आई कॉफी में बैलेंस पीएच लेवल है जी इसमें, और प्लस दूसरी बात है जी मेटाबॉलिज्म रेट के लिए बहुत अच्छी है, ये मेटाबॉलिज्म रेट के लिए भी बहुत अच्छी है जी, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है जी। आप इसको कैसे ले सकते हैं, 80 to 100 ml वार्म वाटर लीजिए जी आप, उसमें ये दो तरह के फ्लेवर्स में आती है, क्रीमर और ब्लैक, दो तरह का फ्लेवर होता है जी इसमें जो हम यूज करते हैं जी, क्योंकि आजकल डायबिटिक और प्री डायबिटिक दोनों ही पेशेंट टाइप 1 टाइप 2 के बहुत होते हैं जी। फर्स्ट है जी क्रीमर फॉर्म में, क्रीमर, और दूसरी है जी ब्लैक फॉर्म में। जो क्रीमर, दोनों में पाउच 50 पाउच होते हैं जी दोनों में, आई रिपीट 50 पाउच होते हैं, तो मिनिमम 50 डेज चल जाता है जी आपका। जो क्रीमर है इसमें सेल्सिटाल की जो मात्रा लगभग 16% है जी और इसमें 36% है जी, ठीक है जी। ये 15 ग्राम का पाउच होता है जी और ये